पापा को मैं प्रैंक कर रहा हूँ कि मैंने दारू पी रखा है, तो पापा मुंह सूंघने के लिए बुला रहे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे आप सब, बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब बीच होंगे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:26 और अभी का प्लान ऐसा है कि पापा की अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, केला हॉस्पिटल नोएडा। सो पापा को स्किन स्पेशलिस्ट दिखाना है, पापा को मतलब कुछ हाथ में मतलब इन्फेक्शन टाइप का कुछ हो गया है। सो चलते हैं अभी पापा को लेकर हॉस्पिटल, तो दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो रेडी हो जाते हैं पहले, फिर चलते हैं। अभी तो मैं ऊपर से आया ही हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, और ये हाइनेक इसलिए पहना है क्योंकि बाइक पे ज़्यादा ठंड लगती है, स्टाइल नहीं, बाइक पे ज़्यादा ठंड लगती है। और गोलू अभी भी सोने में लगा है क्योंकि इसके बाद कोई काम धंधा नहीं है, दो दो कम्बल लेके सोया है। सो पापा भी रेडी हो चुके हैं, हम निकलते हैं। सो अभी कन्फर्म नहीं है कैसे जाने वाले हैं, बाइक या स्कूटी से, मैं सोच रहा हूँ बाइक से चलते हैं। वैसे पापा मेरे साथ बाइक पे कभी बैठे नहीं है, सो पापा ये बाइक पे बैठ लेंगे। सो देखते हैं जैसा भी हो, बताता हूँ आपको, चलते हैं। तो गाइस आज पापा चला रहे हैं बाइक, पर स्कूटी चलाते हैं इसलिए पापा को एक्सपीरियंस नहीं है इतना। पापा पावर मोटर सब कर, पावर मोटर लेकिन उतने पावर नहीं से जितने हम चाहिए, उतने पावर नहीं गाड़ी की। हम ही चला के ले चलते हैं, सो हेलमेट हमारा रेडी है, लेट्स गो। और सीधा हॉस्पिटल जाके मिलता हूँ आपसे। भाई जाने से पहले पेट्रोल फुल करवा लिया पापा ने, फुल कराया पैसे दिया पापा ने, तो अच्छा हुआ हम अपनी बाइक ले गए। हम पहुंच चुके हैं, ये लगा दिया फर्स्ट फ्लोर की पार्किंग है, सो यहाँ पे पार्किंग में लगा दी अपनी बाइक और पापा नीचे ही खड़े हैं। सो चलते हैं, पापा को दिखाते हैं, बाल के हो गए हैं, बाल के हो गए बुरी हालत। सो चलते हैं सीधा नीचे और मिलता हूँ आपसे नीचे जाकर। गाइस 10 नंबर है, अभी 9 चल रहा है, वेट नहीं करना पड़ेगा, खाली है पूरा हॉस्पिटल। सो देखते हैं अब तक आता है, पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है, अभी पेड़ है कि वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ कैमरा चल रहा है तो मतलब ही नहीं बनता। सो कोई नहीं, हमसे ऐसे बना लेते हैं वीडियो, देख रहे हैं अब नेक्स्ट नंबर आ रहा है तो फिर शायद मैं हॉस्पिटल के अंदर वो रूम के अंदर वीडियो ना बना पाऊँ क्योंकि यार डॉक्टर बोलेंगे ये क्या चल रहा है भाई। सो मैं जाते वक्त सोच रहा हूँ कैमरा लगा के जाऊँ, पापा के बहुत ही मस्त रिएक्शन आ रहे थे, मैं जैसे तेज चला रहा था पापा बोल रहे थे अरे धीरे चला धीरे चला। सो यार वो रिकॉर्ड होता ना तो मस्त कंटेंट होता, कैसे रिकॉर्ड करें वही सोच रहा हूँ। अगर ट्राईपॉड भी होता ना तो हैंडल पे अटैच करके बैक कैमरा खोल के पीछे की तरफ कर देता, रिक्स ले लेता लेकिन यार अभी कुछ है नहीं। अरे हाथ में हुआ था तो कोरोना टाइम में तो दिखाए थे तो ठीक हो गया, लगाते रहना पूरे जाड़े पर, एक दिन रात को लगानी है, एक बजे सुबह खानी है, रात को खानी है। सो गाइस दिखा दिया पापा को, अब बस दवाई लेते हैं फिर चलते हैं वापस घर, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे दिखाने में, दवाई लेते हैं चलते हैं वापस घर। सो भाई दवाई भी ले लिया है, चलते हैं वापस घर, तो घर जाकर मिलता हूँ आपसे। ओ गाइस अब चलते हैं पार्किंग से बाइक लेके आते हैं, पापा वेट कर रहे हैं पीछे। सो ये काम भी कंप्लीट हो गया है, पापा को
दिखा दिया डॉक्टर के पास। सब चलते हैं वापस घर, घर जाके मिलते हैं और देखते हैं आज का क्या सीन बनता है, कहीं जाने का बनता है तो वो भी दिखाऊंगा आपको। पापा से रिव्यू लेते हैं कि कैसा था बाइक का एक्सपीरियंस। इतने स्पीड में बाइक चला रही ना, उल्टा सीधा हिंदी में बोल, ऐसे बाइक क्यों चलाता है, तेज कहाँ चलाया, तेज कितना तेज बाइक चला रहा है, इतना तेज बाइक चलाया जाता है तो जहाँ लगता है कि निकल जाएगी बाइक वहाँ निकाला, ऐसे रिक्स थोड़े लिया जाता है। उधर मेरे हाथ में वो वाली बाइक नहीं है तो मैं फिर दिखाता स्पीड। सो गाइस एक दिन सुपर बाइक लेंगे तो फिर पापा को बिठा के घुमाएंगे उस पर, अभी तो इसी बाइक में पापा की हालत खराब हो गई, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रिएक्शन अगर रिकॉर्ड करते ना तो बहुत मजा आता वीडियो में। सो गाइस आज संडे है तो पापा पूरा काम करवा रहे हैं हमसे, अभी हम राशन लेने जा रहे हैं। सो स्कूटी चलते हैं क्योंकि स्कूटी में आगे सामान भी रख सकते हैं, सो चलते हैं, लेट्स गो। स्कूटी मैंने बाहर निकाल दी, लेट्स गो चलते हैं। सो गाइस कुछ ये सामान है अंकल, तो गए सामान ले आए हैं। अबे ये सामान उतारना भाई मेरे, हम पहले ले जाना भूल गए थे तो इसमें जाना पड़ा। तो पानी के हमारा काम कंप्लीट हो गया है। मम्मी काम नहीं है, क्या सुनू बता तो सही, यूं कुछ बार बार मम्मी मम्मी कुत्ता और चल रहा मम्मी मैगे मम्मी ड्रामा करे सो मैं जानू इसके कुछ बात बच नहीं रहा पानी क्या कर रहा पानी ले पी ले हूं मैं पानी लेके आई हूं फेंक दिया ले पी और पीएगा पानी मैं इस तम मेरे कमी ले ले पानी पानी। सो गाइस मम्मी को परेशान करता रहता है। सो गाइस अभी इवनिंग का टाइम है, 7 बज चुके हैं, गोलू अभी भी सो रहा है, सो गोलू को उठाते हैं। गोलू गोलू इधर देख भाई, 7 बजे उठ जा, और ठंड हो गई है तो मम्मी ने बोला है आग जलाने के लिए बाहर, सो आग जलाते हैं, ऊपर से लकड़ी लेकर आने पड़ेगी फिर आग जलाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस लकड़ी ले ली है, चलते हैं। ऊपर देखो, ऊपर बात ऊपर घर में। सो गाइस गली के कुत्तों को कुछ खिलाते हैं, ब्रेड वगैरह। पापा को मैं प्रैंक कर रहा हूँ कि मैंने दारू पी रखा है, तो पापा मुँह सूंघने के लिए बुला रहे हैं, तो मैं फिर जाता हूँ वीडियो ऑन में दिखाता हूँ। मुँह खोलो, 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 म
सो गाइस खाना पीना डन हो चुका है और मम्मी लगी पड़ी है स्वेटर बनाने, और यहाँ पे हम सब कंबल में बैठे हैं। पापा गेम खेलने में लगे पड़े हैं फोन में। बोलू सब खा लिया खाना, अब चलते हैं थोड़ी देर में ऊपर। गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अभी जाके वीडियो एडिट हो गई है, अब अपलोड पे लगाते हैं और सोते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कैसे लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, बाय। अब मिलते हैं कल आपसे एक और बेहतरीन व्लॉग के साथ।